गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व पढ़ रहे थे, इसमें लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव क्या होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का मतलब है लैंथेनाइड श्रेणी में 58 CE से लेकर 71 LU तक लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो अधिक लगता है, इसलिए आकार है वो घटता जाता है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणवीय और आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी से जो आकार घट जाएगा उसी को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वापिस समझना कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ परमाणवीय तथा आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी से आकार में होने वाली कमी कहलाता है लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, आकार घट जाएगा। अब लैंथेनाइड संकुचन जो है दो कारक से प्रभावित होता है, पहला है नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। ये दो कारक जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं, नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज ZF और परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट। अब समझना, नाभिकीय आवेश के अंदर जैसे लैंथेनाइड श्रेणी में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नाभिक द्वारा आकर्षण बल ज्यादा लगेगा और आकर्षण बल ज्यादा लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आने की कोशिश करता है, इसलिए आकार जो है वो घट जाता है। तो नाभिकीय आवेश के कारण नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो आकार जो है वो घट जाएगा। और परिरक्षण प्रभाव का मतलब शील्डिंग इफेक्ट, कि यदि आने वाला इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ये 4F है, ये 5D है, यहाँ पर ये 4F है, ये 5D है, ये 6S है, ये N-2F कक्षक, ये N-1D कक्षक, ये NS कक्षक। अब जैसे जैसे इनमें परमाणु क्रमांक बढ़ता है आने वाला नया इलेक्ट्रॉन अंदर के कक्ष में जाता है, N-2F 4F कक्षक में जाता है, तो ये बाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये इसको प्रतिकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करने के कारण इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट, कि ये परिधि पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर लगने वाले आकर्षण बल को कम करता है, मतलब प्रतिकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, इससे आकार बढ़ जाएगा। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दो कारक से प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश में क्या होता है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ लैंथेनाइड श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिक द्वारा आकर्षण बल ज्यादा लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचता है और आकार घट जाता है। परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है कि आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के N-2F कक्षक में प्रवेश करता है तो बाह्यतम कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको ये प्रतिकर्षित करता है और प्रतिकर्षण के कारण आकार में वृद्धि होती है, इसी को परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं तो बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ
जो नाभिक की आकर्षण बल लगता है वो परिरक्षण प्रभाव की अपेक्षा अधिक लगता है, और नाभिक द्वारा आकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव से अधिक लगेगा तो आकार है वो घट जाता है, आयनिक प्रमाण में त्रिज्या कम हो जाती है, उसे ही कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ परमाणवीय तथा आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी जिससे आकार छोटा हो जाएगा, आकार घट जाएगा, उसको कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। अब अपन इसमें परमाणवीय और आयनिक त्रिज्या में देखे तो आयनिक त्रिज्या में नियमित रूप से कमी होती है, लेकिन परमाणवीय त्रिज्या में नियमित रूप से कमी नहीं होती। जैसे इसको ग्राफ से देखना, जैसे इसमें यहां पर आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या और एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, तो यहां पर बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ आयनिक त्रिज्या में नियमित रूप से कमी होती है। जैसे ये इस प्रकार से यहां पर ये जैसे सामान्य स्थायी ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीन है तो सीई प्लस तीन प्रेस्मियो डायमंड श्री पर श्री प्रेम नंदू पीएम बने, शिमला यूरोप गाड़ी लेके गए, टीबी हुई डाइड हो और तुम अब लौटे हो, इस प्रकार से सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ आयनिक त्रिज्या में नियमित रूप से कमी होती है, लेकिन परमाणवीय त्रिज्या में नियमित रूप से कमी नहीं होती। इसका कारण समझना, जैसे यहां पर परमाणविक त्रिज्या है, परमाणविक त्रिज्या ये आयनिक रेडियस है, ये परमाणविक त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, और वही बढ़ते परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। अब इसमें जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक के आकर्षण बल द्वारा आकार घटना चाहिए, लेकिन इसमें इस टाइप से वक्र प्राप्त होता है। यहां पर यूरो ये यूरोपियम और इटरबियम इनकी परमाणवीय त्रिज्या के मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, इसका कारण पूछा जाता है यहां पर ये कि यूरोपियम 63 और इटरबियम जो है लास्ट ये 70 परमाणु क्रमांक वाला 71 से पहले, इन दोनों की परमाणवीय त्रिज्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, या बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ इनकी परमाणवीय त्रिज्या का मान बढ़ता क्यों है, तो इसका कारण समझना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f 5d 6s, एस में दो इसमें जीरो इसमें सात, और इटरबियम का होता है 4f 14 5d 0 6s 2। अब इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस तीन है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो 4f 7 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है Eu2+। इसमें भी ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो 4f 14 पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है, मतलब यूरोपियम और इटरबियम में धात्विक बंध बनाने में दो इलेक्ट्रॉन का योगदान है, जबकि अन्य तत्व जो है प्लस तीन या प्लस चार ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं तो उनमें प्लस तीन या प्लस चार इलेक्ट्रॉन का योगदान है, और जिन धातुओं के अंदर धात्विक बंध बनाने में कम इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है उनकी परमाणवीय त्रिज्या अपेक्षाकृत अधिक है, और जिसमें धात्विक बंध बनाने में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का योगदान है उनकी परमाणवीय त्रिज्या अपेक्षाकृत कम है। तो यहां ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूरोपियम और इटरबियम की परमाणवीय त्रिज्या अपेक्षाकृत अधिक क्यों होती है, तो इसका कारण देंगे, यूरोपियम तथा इटरबियम में दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा हुआ एफ कक्षक का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, और इसमें धात्विक बंध बनाने में दो दो इलेक्ट्रॉन का ही योगदान है, जबकि अन्य जो तत्व है लेंथेनाइड श्रेणी के उसमें तीन या चार इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, और दो दो इलेक्ट्रॉन का योगदान के कारण इनकी परमाणवीय त्रिज्या के मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। अब उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव क्या, प्रभाव समझना,
प्रभाव इसके वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बार प्रभाव पूछते हैं कि लेंथनर संकुचन के प्रभाव क्या है या लेंथनर संकुचन का परिणाम क्या है। तो लेंथनर कॉन्ट्रैक्शन के कुछ प्रभाव डिस्कस करते हैं, जैसे 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का वर्ग में समान आकार, 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का वर्ग में समान आकार, वर्ग में समान आकार। लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार वर्ग में लगभग समान होता है। इसी प्रकार दूसरा है लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण, लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। और तीसरा इसका प्रभाव देखते हैं लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति, लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। अब समझना इन तीनों प्रभाव को, इसमें से कई बार प्रभाव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण वर्ग में 4D और 5D के श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। जैसे यहां पर 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसके बाद 4D श्रेणी में इट्रियम, यहां पर यारी, जरा, निबा, मौत तक रुकावट राम में पड़े तो आग में कूद जा। फिर 5D श्रेणी में लेंथेनम, इसके बाद में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं 58 से 71 तक, और उसके बाद 72 ओपनियम, विकेट, रनिंग ओवर, इरफान पठान और हरभजन। और 6D श्रेणी में एक्टिनियम के बाद में एक्टिनाइड श्रेणी आते हैं, और 104 रदरफोर्डियम, डबनियम, बोरियम। अब ये जैसे डी ब्लॉक के तत्व थे, इसमें ऊपर से ये अपन को पता है कि ऊपर से नीचे जाते तब कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ता है। यहां पर ये 3D 4D 5D 6D, तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने के साथ आकार बढ़ना चाहिए। तो स्कैंडियम से आकार बढ़ा होता है इट्रियम का, इट्रियम से लेंथनम, लेंथनम से एक्टिनियम, तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार टाइटेनियम से जिरकोनियम का आकार बड़ा होता है, लेकिन जिरकोनियम और ऑपनियम का आकार लगभग समान है, नियोडाइमियम टेंटलम का, मॉलिब्डेनम टंगस्टन का, टेक्नीशियम रूथोनियम का। ये है इसमें कि यहां पर 57 लेंथेनम के बाद में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं 58 सीरियम से लेकर 71 एलयू तक, और एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आने के कारण यहां पर लेंथेनाइड संकुचन होता है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जैसे जैसे इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण ज्यादा लगता है और आकार घटता है, उसके साथ साथ यहाँ परिरक्षण प्रभाव भी लगता है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, और कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है। तो ये नाभिकीय आकर्षण बल जो है कोषों की संख्या में हुई वृद्धि को संतुलित कर देता है, उसको लगभग बराबर कर देता है। इसीलिए लेंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और ओपनियम का आकार लगभग समान होता है, नियोबियम टेंटलम का आकार लगभग समान होता है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन का आकार लगभग समान होता है। इनकी परमाणविक त्रिज्या लगभग बराबर है, जैसे 160 पिकोमीटर, 159 पिकोमीटर, 146 दोनों की 146 पिकोमीटर। तो इस प्रकार से लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार वर्ग में लगभग समान होता है, क्योंकि सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है। परंतु 4D से 5D में, 5D में यहां पर लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ जाते हैं और लेंथेनाइड संकुचन होता है,
और लेंथेनाइड संकुचन के कारण नाभिकीय आकर्षण बल लगता है और नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा आकार घटता है, परंतु कोशों की संख्या बढ़ने से आकार में जो वृद्धि हुई है वो आकार में हुई वृद्धि नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर आकार में हुई कमी को संतुलित कर देता है, जिससे इनका आकार जो है वो लगभग समान हो जाता है। ये इसका पहला प्रभाव है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D के श्रेणी के तत्वों का आकार वर्ग में लगभग समान होता है। दूसरा जो है लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण, कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या के मान में बहुत कम कमी होती है और इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तो समान होने के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को पृथक करना आसान है, मतलब आसान नहीं है, आसानी से अपन लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को पृथक नहीं कर सकते। इसलिए ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आयनिक त्रिज्या में जो कमी होती है उससे इनमें विलेयता तथा संकुल यौगिक बनाने की जो प्रकृति है प्रवृत्ति है उसमें भिन्नता आ जाती है। इसलिए आयन विनिमय रेजिन विधि से, आयन विनिमय ये 11th में भी पढ़ी थी विधि, आयन विनिमय रेजिन विधि द्वारा लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो ये इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव है कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में आयनिक त्रिज्या के मान में बहुत कम कमी होती है और इनके रासायनिक गुण जो समान होते हैं और रासायनिक गुण समान होने के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को पृथक करना कठिन होता है, आसानी से लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी विलेयता और इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति जो है उसमें भिन्नता आ जाती है। इसलिए आयन विनिमय रेजिन विधि द्वारा लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को पृथक किया जा सकता है इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तीसरा इसका प्रभाव है लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। अब लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड में सीरियम से लेकर CeOH4 इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था है से लेकर Lu ल्यूटेशियम तक, तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ आयनिक त्रिज्या में कमी होती है और आयनिक त्रिज्या घटने के साथ साथ इनमें सहसंयोजक गुण बढ़ता है और सहसंयोजक गुण बढ़ने से क्या होता है इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति घट जाती है, क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है। तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी, इसका मतलब ये अधिकतम क्षारीय होगा लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर, ये अधिकतम क्षारीय प्रकृति का होता है और ल्यूटेशियम जो है ये न्यूनतम क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्षारीय प्रकृति का भी पूछते हैं, 2-4 एग्जांपल देके भी पूछ सकता है बढ़ता घटता क्रम। तो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सहसंयोजक गुण बढ़ जाता है और इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति घट जाती है। इसीलिए CeOH4 अधिकतम क्षारीय प्रकृति दर्शाता है और ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूनतम क्षारीय मिनिमम बेसिक नेचर को शो करता है। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव थे कि वर्ग में 4D 5D का आकार लगभग समान है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन तत्वों का आयन विनिमय रेजिन विधि से पृथक किया जा सकता है और इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक घटती जाती है। उसके बाद में लेंथेनाइड श्रेणी के कुछ उपयोग बताते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का यूज क्या है। पहला उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो मिश्र धातुएं बनाते हैं उसे मिस धातु कहा जाता है, मिस मेटल। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आपस में मिलकर जो मिश्र धातुएं बनाते हैं उसे मिस मेटल कहा जाता है और इस मिस धातु में याद रखना 40% सीरियम होता है, उसके अलावा
44% लेंथेनम और नियोडाइमियम होता है और 5% आयरन और सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन होते हैं और इनका उपयोग जो है इस मिस धातु का सिगरेट और गैस लाइटर में होता है। सिगरेट गैस लाइटर है या लाइट फेंकने वाले टैंक है या बंदूक की गोली बनाने में या गोले बनाने में इनका उपयोग होता है मिस मेटल का। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ में जो 3% मिस धातु है इसका उपयोग जेट इंजन के कलपुर्जे बनते हैं। जो जेट इंजन होते हैं प्लेन, इनके कलपुर्जे बनाए जाते हैं मैग्नीशियम मिस धातु से। उसके अलावा इसमें जो सीरियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट का उपयोग इसमें आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग है Pr2O3 प्रेसियोडाइमियम ट्राइऑक्साइड और Nd2O3 नियोडाइमियम ट्राइऑक्साइड। इसका उपयोग धूप के जो चश्मे बनते हैं उसमें रंगीन लेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सीरियम लवण के जो फॉस्फेट है वो पेट्रोलियम के भंजक आसवन में काम में आते हैं। उसके अलावा इनमें इस लो चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रकृति के कारण चुंबक बनाने में और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का यूज किया जाता है। तो इसमें ये कुछ लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के उपयोग है जिसमें पहला मिस धातु वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिस मेटल, मिस धातु क्या होती है, तो क्या लिखोगे, लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है वो जो मिश्र धातु बनाते हैं उस मिश्र धातु को कहते हैं मिस धातु, जिसमें 40% सीरियम होता है, 44% लेंथेनम और नियोडाइमियम, 5% लोहा आयरन के अलावा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और इनका उपयोग जो है सिगरेट और गैस लाइटर में होता है, लाइट फेंकने वाले टैंक में होता है, बंदूक की गोली बनाने में इसका मिस धातु का उपयोग होता है। दूसरा, मिस धातु के साथ 3% मैग्नीशियम को मिला दे तो इसका उपयोग जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने में होता है। इसी प्रकार सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं। प्रेसियोडाइमियम ट्राइऑक्साइड और नियोडाइमियम ट्राइऑक्साइड का उपयोग धूप के रंगीन चश्मे के लेंस बनाने में होता है। इसी प्रकार सीरियम लवण के जो फॉस्फेट है, इसके फॉस्फेट जो लेंथेनाइड श्रेणी के, इसका उपयोग पेट्रोलियम के भंजक आसवन में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये लेंथेनाइड श्रेणी के यूजेज थे जिसमें मिस मेटल वाला यूज ज्यादा पूछा जाता है। तो ये था लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी जिसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे आकार घट जाता है, ये दो कारक से प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, न्यूक्लियर चार्ज ZF और शील्डिंग इफेक्ट। फिर इसके बाद में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव क्या है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D के श्रेणी के तत्वों का आकार वर्ग में लगभग समान है और लेंथेनाइड तत्वों को आसानी से अपन अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण विलेयता और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रकृति अलग अलग होने के कारण आयन विनिमय रेजिन विधि, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से इसको अलग अलग कर सकते हैं। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सीरियम से ल्यूटेशियम तक इनके हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति है वो घटती जाती है। तो आज के वीडियो में अपन ने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का यूजेज देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्टिनाइड श्रेणी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।